देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया, जिससे वो पर्यावरण से जुड़े और उनका खास ख्याल भी रख सके। इसी कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत भी किया। वही मुख्य सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हिमाचल की दहलीज पर पहुंच गया है। ग्लेशियर के फटने के खतरे को देखते हुए जुलाई में सरकार टीम भेजेगी। बट आज जो संदेश था वो मुख्य रूप से यही है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल दरवाजे पे आ गया है और हिमाचल के कंटेक्स्ट में ग्लेशियर जो हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका कि बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसके संदर्भ में सरकार जो है वो स्टडी करने जा रही है और 4 जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनको अपनी टीम भेजेगी जुलाई के महीने में। बाकी बच्चों से और बाकी सब लोगों से अनुरोध किया गया कि जो पॉल्यूशन के संदर्भ में अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति सहज हों तो अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य करे तभी ये समस्या का जो है नियंत्रण हो सकता है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में ग्लेशियर फटने से भयानक तबाही हुई है, ऐसे में खतरे को देखते हुए भारत सरकार के साथ मिलकर 4 या 5 ग्लेशियर को चिन्हित किया गया है जिनका अध्ययन किया जाएगा। ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए, जैसे अभी सिक्किम में अचानक फट गया था और उसके बाद भयंकर तबाही हुई थी। तो भारत सरकार के साथ हम लोगों ने 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि क्या अगर वहाँ पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा वो देखना शुरू। उन्होंने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग पर भी बयान दिया और लोगों की लापरवाही से आग लगने की बात भी कही। देखिए, जंगलों के आग के संदर्भ में भी जो बहुत अफसोसजनक तथ्य सामने आया है वो ये है कि आग जो है वो या तो ह्यूमन नेग्लिजेंस से लग रही है, लोग अपनी घासनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आग लगा रहे हैं और वो जंगलों में फैल रही है, या कुछ जगह करीब काफ़ी लोगों को भी इसे देखा गया है जो शरारत वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ऊपर से तो आग आ नहीं रही है, आग तो नीचे से ही आ रही है। और एक और अनुरोध है कि जब लग जाए तो भी बिना कम्युनिटी के सहयोग से इसको बुझाना मुश्किल है, होपफुली मौसम कुछ बेहतर होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जंगलों में लगातार आग लगी हुई है, जिसकी चपेट में न जाने कितने पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। वहीं अन्य वन जीव भी इस आग की चपेट में आ गए, जिसे लेकर वन विभाग काफी चिंतित है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।